मेरठ में शनिवार को पीवीएस मॉल के आईनॉक्स थिएटर पहुंचे प्रसिद्ध अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी आने वाली फिल्म भैया जी का प्रमोशन किया। उन्होंने इसे ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक्शन फिल्म बताया। मनोज ने कहा कि राजनीति फिल्म में जरूर काम किया है, लेकिन कभी राजनीति में नहीं आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनने से मेरठ और उत्तर प्रदेश के फनकारों को लाभ होगा। इनके साथ फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की भी मौजूद रहे। बारे में हम लोग बैठ करके चाय पे बात करेंगे। चुनाव को लेकर कोई फिल्म बनाएंगे भविष्य में? मुद्दे पूछ लो, मुद्दे। चलिए आइए, फिल्म में बता दीजिए, वोट डालेंगे। फिल्म की बात करो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं। मैं आपको बोलूं, मनोज जी एक क्वेश्चन है, ऐसा क्या हुआ था कि बचपन में आप एक स्टोर रूम में चाकू लेके घुस गए थे? नहीं, चाकू नहीं था। खाना बनाने वाला जो कल्चर होता है ना, मेरी माँ ने बंद कर दिया था, तो मैं जिद में था। भैया जी 24 मई को आ रही है, उसके प्रचार के लिए हम लोग मेरठ आए हैं। मेरठ के हमारे बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी, उनका संदेश था कि मेरठ में जरूर आओ। 24 मई को आ रही है, आप लोग जरूर देखिए। बहुत कमाल का, अभी हम लोग सारे हिंदुस्तान में सैर कर रहे हैं। भैया जी का बहुत अच्छी हवा बह रही है, और मैं भी आप मेरठवासियों से मैं आपके जरिए प्रार्थना करूंगा कि वो अपने दोस्तों यारों परिवार के साथ देखने।